पवनदीप को आज ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं। जी हाँ, पवनदीप का लेटेस्ट सॉन्ग जय हो भोले रिलीज होते ही फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। फैंस को पवन का ये गाना बहुत पसंद आ रहा है, पवन का ये गाना खूब सुना भी जा रहा है। अरुणिता ने खुद पवन का ये गाना कई बार सुना, उन्होंने स्टूडियो पहुंचकर पवनदीप को बधाई दी, उनकी आवाज की तारीफ की, उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है और आवाज का तो कुछ कहना ही नहीं। इनके अलावा पवन की एक और वीडियो सामने आई है, ये वीडियो कहाँ की और कब की है इस बारे में क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पवनदीप जब कोलकाता गए थे तो उन्होंने वहाँ पहाड़ी गाने गाए थे। पवनदीप के पहाड़ी गाने सुनकर वहाँ मौजूद लोग उनके दीवाने हो गए, तालियां और सीटियां बजाने लगे। एक लड़की ने तो हदें ही पार कर दी थी। दरअसल पवन मंच पर गाना गा रहे थे तभी एक लड़की बार बार पवन को छूने के लिए स्टेज तक जाती है। वो लड़की जब तक पवन से हाथ नहीं मिला लेती है तब तक अपनी सीट पर बैठती नहीं है। वो लड़की दो बार उठती है लेकिन दोनों बार उसकी कोशिश फेल हो जाती है, तो तीसरी बार वो हिम्मत करके उठती है और पवन से कहती है कि हाथ दो। पवन गाना गाते गाते उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और इस बीच पवन का दिमाग भी नहीं भटकता है, वो ऑडियंस का एंटरटेनमेंट भी करते रहते। वाकई पवन में एक ये कमाल का हुनर देखा गया। लड़की पवन से मिलने के बाद खुश हो जाती है और उसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, खूब देखी जा रही है। पवन की भी खूब तारीफ हो रही है कि किस तरह से उन्होंने उस लड़की का दिल भी नहीं दुखाया और ऑडियंस का एंटरटेनमेंट भी करते रहे। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल आज घटाल सब के लिए निकल चुके हैं। जी हाँ, अरुणिता के घर के साइड आज पवन अरु की परफॉर्मेंस होने वाली है। ये वही इवेंट है जो पहले कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिन में ही इस इवेंट की डेट क्लियर कर दी गई। इस उत्सव में पवन अरुणिता के साथ कई और भी सिंगर आज अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। पवन अरुणिता इस इवेंट में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखे, क्योंकि ये मेला करीब 32 साल से लग रहा है। ऐसे में इस मेले में कई नई नई चीजें देखने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं। पवन अरु के लिए यहाँ का एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ी बात है। पहले आज इनके इस इवेंट से जुड़े ढेर सारे फोटोज और वीडियो सामने आने वाले हैं, जिन्हें हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप भी पवन अरु को लेकर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। इस इवेंट के लिए पवन अरु को ऑल द बेस्ट तो जरूर बोलें। वहीं आपको बता दें, पवन अरुणिता का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें काफी दिन बाद दोनों को गिटार पर गाना गाते देखा जा रहा है। जी हाँ, पवन अरु दोनों बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाना गा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं और दोनों के लुक ने तो भाई सबके दिलों पर कब्जा कर लिया। पवन तो आंखों में काला चश्मा लगाकर और काली जैकेट पहनकर एकदम रॉक स्टार बनकर गाना गा रहे हैं और अरुणिता भी पवन को देखकर मुस्कुरा रही है। उनका ध्यान गाने पर तो है ही, साथ ही एक नजर पवन पर बनी हुई है। वो छुप छुप कर पवन को देख रही हैं और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं। पहले आपको पवन अरु का ये लुक कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप की सिस्टर चांदनी राजन की शादी के बस कुछ ही दिन बाकी रह गए। सिस्टर की शादी की तैयारियां पवनदीप भी जोरों शोरों से कर रहे हैं। पवनदीप ने अपने सभी दोस्तों को इस शादी में आने के लिए इनवाइट कर दिया है, जिसमें अरुणिता का नाम तो पहला है। जी हाँ, पवन बहुत खुश है कि अरुणिता उनके घर आएंगी और कुछ दिन वो उनकी फैमिली और सिस्टर के साथ रहेंगी। वैसे अरुणिता का नाम तो फाइनल ही बताया जा रहा है, लेकिन अगर परिवार ने उन्हें मना कर दिया तो अरुणिता पवन के घर नहीं जा पाएंगी। बाकी दोस्तों की बात करें तो शायली, शनमुखप्रिया, दानिश और निहाल तारो, अनुष्का बनर्जी, ये सब भी पवन के घर शादी में आ सके। तो यकीनन अगर ये सब आए तो शादी का मजा दो गुना हो जाएगा। एक तरफ पवन अरु की लव स्टोरी देखी जाएगी तो दूसरी तरफ घर में फंक्शन होंगे। सोच कर ही नजारा इतना खूबसूरत लग रहा है, तो सोचिए आने वाली 6 फरवरी को क्या होने वाला है। पहले आपको क्या लगता है, क्या पवन के घर ये सभी दोस्त जाएंगे, क्या अरुणिता अपने सबसे करीबी दोस्त के घर जाएंगी? और हाँ, एक सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी हाल ही में पवन ने अपने घर में नई बाइक का स्वागत किया और अब फिर से एक नन्हे मेहमान का भी स्वागत किया है। जी हाँ, पवन अरुणिता दोनों ने अपने घर एक नन्हे मेहमान का स्वागत किया है। दरअसल पवन अरुणिता, दानिश, आशीष, निहाल तारो, ये सब मिलकर एक क्यूट बेबी डॉग खरीद कर लाए हैं। गोल्डन रिट्रीवर डॉग इनके घर आया है, जिसकी देखभाल आशीष और निहाल तारो करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन तो पवन अरुणिता बहुत बिजी रहने वाले हैं। तो आप भी पवन अरु के इस नन्हे मेहमान को लेकर कमेंट जरूर करें।
पवनदीप अरुणिता कल रात गुजरात के लिए निकल गए। जी हाँ, पवन अरु दोनों एक साथ एक ही फ्लाइट में गुजरात के लिए निकले। पवनदीप अरुणिता को एयरपोर्ट पर एक साथ बेहद खुश देखा गया। अरुणिता इस पार्टी में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखी, क्योंकि वो इस इवेंट में सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देने ही नहीं जा रही है, बल्कि गेस्ट बनकर इस पार्टी को पवनदीप के साथ एंजॉय करने वाली है। जी हाँ, गुजरात के सूरत में एक शादी फंक्शन में अरुणिता पवन दोनों को इनवाइट किया गया था। यहाँ पवन अरु गाने तो गाएंगे, लेकिन पार्टी में धमाल भी मचाएंगे। पवन अरु के कुछ फैंस इस गुजरात वाले इवेंट में जाकर लाइव पवन अरु की परफॉर्मेंस देखना चाहते थे, लेकिन ये इनका पर्सनल फंक्शन है। ऐसे में इनके फैंस इस बार पवन अरु को लाइव नहीं देख सकते, बल्कि वीडियो और फोटो में ही देख सकते हैं। लेकिन आप घबराएं बिल्कुल ना, क्योंकि आज रात इनके ढेर सारे फोटोज और वीडियोस आने वाले हैं और हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप भी पवन अरु को लेकर कमेंट करें, और क्या कुछ इस पार्टी में होने वाला है। इस पार्टी में पवन अरु के लुक को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अरुणिता इस बार इस इवेंट में कुछ नए लुक में नजर आएंगी। हो सकता है कि वो ब्लैक साड़ी पहनकर पहुंचे। फिलहाल तो अरुणिता बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उन्हें पार्टियां बहुत पसंद है। इस बार तो इस पार्टी में उनके करीबी दोस्त पवनदीप उनके बिल्कुल क्लोज होते दिखाई देंगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते नजर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस पार्टी में अरुणिता अपने कातिलाना लुक से पवन को बेहोशी कर दे। फिलहाल आप इनके लिए क्या सोच रहे हैं, लिखकर जरूर बताएं। तो जी, अरुणिता की मौज मस्ती का वीडियो सामने आ गया है। अब ये वीडियो देखकर यही कहा जा रहा है कि ना जाने अरुणिता के 15-16 दिन घर पर कैसे कटे होंगे, क्योंकि उन्हें पल पल में झटके लगते हैं। जी हाँ, पागलपन के झटके लगते हैं, अजीब अजीब शरारतें करने के झटके लगते हैं। अरुणिता जैसे ही बोर होती हैं, वो कुछ अजीब अजीब हरकतें करने शुरू कर देती हैं। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और अरुणिता के फैंस अच्छी तरह से अरुणिता की ये हरकत जानते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं। दरअसल कल अरुणिता, पवन, दानिश शायली, ये चारों सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर गए थे। यहाँ इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की तैयारियां की, और फिर अरुणिता ने देखा कि अब बहुत टाइम हो गया है, उन्हें खुद टाइम देने का रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो मंच पर खड़ी होकर डांस करने लगती हैं। जी हाँ, माइक एक किनारे करके और हाथ पैर फेंकने लगती हैं, और वो इस शरारत वाली वीडियो में खुद ही नहीं बल्कि पवन को भी शामिल कर लेती हैं। जी हाँ, पवन और अरु दोनों अजीब अजीब हरकतें करने में लगे हुए हैं, चेहरे के अजीब एक्सप्रेशन दे रहे हैं, पैर हाथ हिला रहे हैं। इनके इस डांस वाली क्यूट वीडियो का इंस्टाग्राम पर बूमरैंग वीडियो भी बनाया गया, जो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वाकई पवन अरु बहुत क्यूट लग रहे हैं। इनके इस वीडियो के बैकग्राउंड में अलका जी का गाना भी प्ले किया गया है। वहीं इनके अलावा पवनदीप की एक पुरानी वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं, और चलते फिरते ही वो अपनी नींद पूरी करते हैं। अब वो सिंगर हैं, तो आए दिन उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसे में वो अपनी नींद कभी फ्लाइट में तो कभी कार में पूरी करते हैं। इस बार पवन को फ्लाइट में सोते देखा गया, और सायली कामले ने उनकी ये सोने वाली वीडियो अपलोड भी कर दी। सायली कामले ने बताया कि पवन दा बहुत थक चुके हैं, और उन्हें कुछ इस तरह से सोना पड़ रहा है। पवन का सिर बार बार सीट से नीचे की तरफ झुक रहा है, और वो झटके से उठ जाते हैं। वो बहुत गहरी नींद में, और गहरी नींद की वजह से बार बार उनका सिर सीट से टकरा रहा है, और वो सोने में मस्त है। वेल, आप पवन के इस क्यूट वीडियो को देखकर क्या कहना चाहेंगे?